महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोमवार को विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा की एक सीट पर भी उपचुनाव हुए हैं। इसी उपचुनाव के दौरान वोट डालने आए वोटर ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाने के बाद भी वह वोट भाजपा को जा रहा है, जिसकी शिकायत वहां के मतदान अधिकारियों से भी की गई। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहले तो उस वोटर के आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ईवीएम में खराबी के इस गंभीर आरोप को स्वीकार किया। आपको बता दें कि यह मामला महाराष्ट्र के सतारा लोकसभा सीट की है, जहां पर सोमवार को 11 बजे के आसपास यह घटना हुई है। लेकिन जब तक चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार किया गया, तब तक इलाके के लगभग 200 लोग वहां पे वोटिंग कर चुके थे। आपको बता दें कि सतारा जिले के कोरेगांव निर्वाचन क्षेत्र में नलेवाड़ी गांव के कुछ मतदाताओं ने दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अपना वोट डाला था, लेकिन वीवीपीएटी पर्ची के जांच के बाद पता चला कि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। इस घटना के बाद वहां के ग्रामीणों ने वहां पर उपस्थित मतदान केंद्र अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। हालांकि शुरू में उनके द्वारा किए गए दावों को अधिकारियों ने झुठला दिया, लेकिन बाद में इस पूरे मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उस ईवीएम की जांच की और ग्रामीणों के दावों को सही पाया। हालांकि उसके तुरंत बाद ही उस ईवीएम को वहां से हटाकर उसके जगह पर दूसरा ईवीएम लगाया गया। आपको बता दें कि सतारा में विधानसभा के साथ साथ खाली पड़ी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान डाला जा रहा था। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के विधायक शशिकांत सिंधे के मुताबिक उस पोलिंग बूथ पर उनके सामने ही एक वोटर वहां वोट डालने आया था। वह अपना वोट डालने के लिए बटन दबाता, उससे पहले ही बीजेपी के बटन के सामने लगी लाइट चमकने लगी, जिसके बाद इसकी शिकायत मतदान अधिकारियों से की गई। उस समय वहां मतदान अधिकारियों ने मौखिक रूप से स्वीकार किया कि मशीन में कोई खराबी आ गई है। वहीं ईवीएम में इस गड़बड़ी पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत का कहना है कि देश के लोगों को आश्चर्य है कि किसी ईवीएम में गड़बड़ी से सभी वोट भाजपा के खाते में कैसे जा सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने ग्रामीणों के दावे पर कहा कि बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, मशीन बदले जाने से पहले दिए गए सारे वोट भाजपा के खाते में कैसे जा रहे थे। उनका कहना है कि यह आश्चर्य करने वाली घटना है। हालांकि वहां के मतदान अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि वहां के पोलिंग एजेंट को इस तरह की शिकायत के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। मतदान अधिकारी का कहना है कि मशीन बदली गई थी, लेकिन इसकी वजह यह नहीं थी जो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के नेता बता रहे हैं। उनका कहना है कि मशीन इसलिए बदली गई थी क्योंकि उसके बटन में खराबी आ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी ईवीएम से संबंधित एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक निजी वाहन में दो लोग वोटिंग मशीन ले जाते हुए पकड़े गए। आपको बता दें कि यह घटना बल्लारपुर निर्वाचन क्षेत्र के दुर्गापुर क्षेत्र में हुई, जहां से वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां के जिला कलेक्टर का कहना है इन मशीनों का इस्तेमाल मतदान के दौरान नहीं किया गया था, बल्कि रिजर्व स्टॉक से किया गया था। वहीं इस घटना के बाद महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के प्रमुख सत्यजीत तांबे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वास्तव में लोग इतने उग्र और गुस्से में हैं, उन्हें लगता है ईवीएम की छेड़छाड़ की एक गंभीर संभावना है। लोग इतने गुस्से में हैं कि मुझे डर है कि यह हो सकता है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए। उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इसे बारीकी से देखनी चाहिए।